आपके आज से बेटे हैं, अपना बेटा हमने मान लिए। अगर तू कहेगी रात न तो रात ना आओगे, दिन में कहोगी दिन में आओगे, तेरे बेटे बनकर तेरी सेवा करेंगे, इन बड़का की लालन पालन करेंगे। शेयर मीडिया चैनल देखने वाला भाई प्रीतम नागर की राम राम। तो आज भाई मैं फिर अपने गांव तो जुड़ गया हूँ। हमारे जो दम्बल फौजी है भाई, समाज सेवी हैं, अरे एक अपने जो देवेंद्र अंकल जी हैं और ओकी भाई हैं भाई, बहुत ही बढ़िया लेवल पर काम करने लग रहे हैं। जो अपना है भाई अनिल भाई का घर है, उसके भाई हैं जो भाभी हैं, उनकी डेथ हो गई हैं। तो आज भाई मदद करने के लिए स्पेशली आए हैं। जो राशन पानी वहाँ कर घर का वो देने के लिए भाई, इन लोगों को बार बार सलूट है जो ऐसे गरीब आदमियों का साथ दे रहे हैं और अपनी कीमती कमाई मत है कुछ स्या भाई इन गरीब आदमियों का लगा रहे हैं। जो कि इनके भाई माँ बाबू थे वे एक्सपायर कर गए हैं भाई, इनकी मदद करने के लिए भाई पीपड़ी गांव में हमारे जो देवेंद्र अंकल जी हैं हरियाणा पुलिस में, तो भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई। अश्वनी जी हैं और भाई दमल फौजी जी हैं, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं भाई, नेक काम कर रहे हैं। तो इनका भाई तहे दिल से बहुत धन्यवाद है। आज जी ये हमारे देवेंद्र अंकल जी हैं और ये अश्वन जी, ये भाई साहब, ये दम्बल फौजी अंकल जी, ये हमारे लाला भाई और ये भाई, ये मकान है भाई। आ जाओ भाई, माँ बाप मर गए जब, चलो कोई नहीं। हाँ नमस्कार अंकल जी। नमस्कार भाई प्रीतम। तो अंकल जी आपने एक ग्रुप बना रखा गरीब कल्याण संस्था। जी भाई। भाई मैं देखता भी रहता हूँ भाई, आप अपडेट देते रहते हो भाई। हम शुरुआत करेंगे अपने पीपड़ी गांव से भाई, 1 जनवरी 2023 से मतलब स्टार्टिंग हो जाएगी। तो आज आपकी आप पहली मतलब वो है भाई मदद गांव में, पीपड़ी गांव में। प्रीतम भाई देखो, मदद तो मेरे ख्याल था मैं 2-3 साल से करता रहता हूँ, लेकिन मैं बताता नहीं था किसी को। क्यों, हम 2-4 साथी हैं नौकरी पेशे वाले, हम करते रहते। मैं हूँ नरेश, फायर ब्रिगेड में हैं भाई, राकेश है, दम्बल है, जो अश्विनी, हम नीचे भाई 10-20 हज़ार रुपये की मदद हो रही थी, हम चुपचाप दिया आ रहे थे। लेकिन कई बार क्या है कि मदद इतनी ज़्यादा हो जाती है, हम भी उसमें असमर्थ हो जाएं कई बार, क्योंकि हम कई जगह मदद भेजते हैं हर महीने। हमारे ग्रुप है, कोई हमें जोड़ रहा हम वहाँ भेजते हैं, कोई अश्विनी जोड़ रहा है, कहीं हम, कहीं दम्बल जोड़ रहा है, कहीं मैं जोड़ रहा, हम सारे का आपस में मदद भेजते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना भाई, अपने गांव के मतलब जो मैंने हालत देखी है अपने, जैसे ये है, मैं जब ये कहाँ गए वो बच्चे, एक इधर आ बेटा, तो मैं गांव में घूमता रहता हूँ भाई, गरीब बच्चों में गांव के हम इन्हीं में रहते हैं। तो मैंने देखा इन बच्चों का, मेरे पास फ़ोन आया था मोनू का भाई, इनके पिताजी मरे जब, मेरे पास फ़ोन आया था, अशोक पहाड़ी है हमारा साथी है वो भी, उसके पास भी इसने फोन, हम दोनों आए। वो थोड़ा देर लेट हो गया था, मैंने देखा यहाँ कोई नहीं, उसके पास मरा पड़ा था वो बेचारा, उसको मैंने ही निकाला था अंदर से। तो मैंने देखकर उसके हालात ये देखकर मैं यार, मैंने पूछा भी इसकी मम्मी पहले ही मर रही है, बाप और मर गए इन बच्चों के, तो उन्होंने क्या रहा। मैं उसी दिन से मेरा अंदर से दिल का चोट रहा था भाई, इन बच्चों की, इनकी दादी की, ये इनकी दादी बैठी है बेचारी, ये अपना बुढ़ापा पेंशन ले रही है, उससे किसी तरह से इनका सरकारी स्कूलों पढ़ रहे, मैंने इनका पता कराया, सरकारी स्कूलों पढ़ रहे हैं बच्चे, तो बेचारे अपनी पेंसिल वगैरह से ही इनका गुजारा चला रही है। पीछे इनकी बहन की शादी करी थी, तब मेरे पास मैसेज आया था, हमने भाई जैसे भी हमारे, जैसे भी हमने 10-5 सूट भी करके, मैंने नरेश ने फायर ब्रिगेड ने जो मेरे साथी 2-4 हमने मिलकर भाई, हमने 10-20 हज़ार जी से मारे, तब वो है भाई, हम ये तो कहते नहीं भाई हम करोड़पति अरे भाई कबनू वरनू इतना मदद कर दें, लेकिन जैसे भी हमारे से होती है, अरे जिस तरह गरीब आदमी संतुष्ट हो जाए, हाँ कहाँ हमारा काम चल जाएगा, हम पूछ लेते हैं चल जाएगा इतने में काम, तो चल जाएगा तो इतना हम करेंगे कैसे भी करें। तो उस बहन की भी शादी करी थी हमने, तो उसमें मैं पूरा दिन यहीं रहा था, जब तक वो लड़की यहाँ से विदा नहीं हो ली थी तब तक मैं यहीं था घर पे ही, मैं बाहर मैं यहीं बैठा हूँ पूरा दिन। तो मैं हालात से पूरी तरह वाकिफ हूँ। तो अशोक भाई भी आए थे उस टाइम पे, अशोक ने भी देखा हालात, मैंने अशोक ने उसको यहाँ मतलब दाह संस्कार के लिए पूरा प्रोग्राम मैंने अशोक ने किया था यहाँ पर। अशोक भी एक सामाजिक आदमी है, कहीं भी डेथ वगैरह हो जाती है सबसे पहले मिलता है वो भी। बिल्कुल। और ये हमारे दम्बल फौजी हमारे साथी हैं। बिल्कुल। भाई ये तो शुरू से ही इनका रोजाना है सर, राम के हम बचपन के साथी हैं, एक दूसरे के अंदर से बिल्कुल अंदर से वाकिफ हम। इसकी भी ये फौज से रिटायरमेंट आने से पहले ही इनकी तमन्ना ये थी, कुछ हम दिख जाती है
तो ये भी दिन रात किसी न किसी सोशल कार्य में लगे रहते हैं, नौकरी भी करते हैं और हमारे से ज़्यादा लगे रहते हैं। तो भाई मैंने सोचा क्यों ना भाई एक छोटा को ग्रुप बनावा है हमें, गांव लेवल पर कम से कम नहीं तो ऐसे परिवारों को, ऐसे परिवारों को तो हम पाँच चार भी मदद करते जैसे आराम ज़्यादा नहीं कर। इसमें मैंने ना गरीब कल्याण संस्था में मोस्टली गरीब बच्चे जोड़ रखे हैं मैंने, उनको एक ही मैसेज है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे काम देखे जाएँ, काम देखे जाएँ। अरे हमने ज़्यादा ज़रूरत होगी, हमारे पास बहुत बड़ा सर्कल है हमारा फ़ौरन तक सर्कल। ये जो मेरा साथी आ रहा था जो दंबल गया इसमें प्रोग्राम आ रहा था, इसका पिताजी मेरा दोस्त, मैंने ऑनलाइन बात कराई थी, लंदन में बैठे कोई कहीं बैठा कोई कहीं बैठा, अगर हमने बारह मदद मांगनी हुई तो बारह भी मदद हमारे पास है। लेकिन हम ये चाहते भी जितनी ही हमें आवश्यकता ना हम उतनी ही मदद लें जितनी हमें आवश्यकता, और हमारे गरीब आदमी का थोड़ी बहुत वाखा मन रोशनी सी आओ है, हाँ भाई हम कुछ जीवें जी सकें ही गांव में। तो हमारा एक ही मकसद है भाई, हमारा ना हमारा कोई इसमें निजी स्वार्थ है और भाई ना ज़िंदगी में हम निजी स्वार्थ करें कोई आदमी भाई निजी। ये मदद मेरा विचार इस मदद का मैं बताता हूँ आपको, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ये मदद मैं बहुत पहले करना चाहता था लेकिन किसी कारणवश इलेक्शन आ गए, बीच में इलेक्शन में हमारे परिवार से भी कोई सदस्य खड़ा होगा तो मैंने इसलिए नहीं करी उस दौरान, अपने साथियों को भी रोक दिया ताकि भाई ये ना सोचा कि ये तो अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन भाई दंबल फौजी ने एक शादी ओट ली, इसके पास चले गए अपना, अभी पीछे भी देखा वहाँ हमने मिलकर है मिलजुल कर है 51,000 रुपये नकद दिए थे जिसमें 15,000 रुपये तो इस गरीब कल्याण संस्थान अकेले ने दिए थे। अच्छा जी, बाकी भाई दम्बल के से मतलब सारा हमारी मंडली का सहयोग था 51,000 रुपये, क्योंकि 15,000 हमने खुद दे दिए, हम वहाँ देते हैं तो उन्होंने हमारे को दे दिए। तो दम्बल भाई ने वहाँ क्योंकि इसने रिप्रेजेंट करा था उनको, दम्बल भाई ने मोस्टली यही रहते हैं, मैं भी बीमार था मैं भी दम्बल ही आता यहाँ पर, मैं बोलने वाला था भाई तू चले जाइए तो यही आवा है लेकिन माँ आ गया किसी कारण से मत चलो यार। बहुत बढ़िया जी, तो भाई हमारा एक ही मकसद है गरीब आदमी के आँखों में खुशी लाना। बिल्कुल, और भाई कोई लाचार है जिसको हमें ये पता है अगर हमारे पास 100 रुपये की मेरे को आवश्यकता है, मेरे पास 100 रुपये नहीं है तो मेरे को पता अभी मैं कहाँ से क्या करूँ। तो भाई हमारा मकसद हम धीरे धीरे थोड़ा 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 करके भाई हम मदद करते रहेंगे, भाई हमें बताते रहना कोई भूख का मारा है ना। मेरे भाई दम्बल का जो हमारा साथी है फौजी, हम इससे ये फौज में नौकरी करता था, हम वहाँ भी जाती थी इसके पास, पता नहीं कितनी सेवा करता था ये, इसको मतलब पैसे से इसको भी कोई प्यार नहीं है। ठीक है, हमारा एक ही मकसद है भाई कोई गांव में भूख से ना मरे, कम से कम हमारे गांव लोग भाई दान देते हैं वहाँ गाँव में 1 लाख 2 लाख धर्मशाला में, क्या यार हमारे गाँव के आदमी तो भूखे मरने लग रहे हैं, क्या फ़ायदा उस चीज़ का। तो हमारा मेन मकसद है पहले अपने गाँव को पहले उठाओ, गाँव में मत छोड़ो पहले एक भी ऐसा आदमी, बाहर भी नहीं रहना चाहिए गांव में कोई भी आदमी जैसे। सुनो मेरी बात, दम्बल है जो मेरा साथी, इसके बहुत अच्छे विचार है, ये कह रहा था क्यों ना 26 जनवरी पर हमारे गांव में खिलाड़ी बहुत से खिलाड़ी हैं बच्चे ये वो, हम डिस्कस बैठ कर डिस्कस भी करेंगे अभी, तो चलो वो ये बताएगा जो भी कुछ करेंगे हम साथ में, जो विचार जो हमने फाइनल कर दिया कर देते हैं वो, कुछ मैं को पूछने भाई थोड़ा बहुत सलाह मशवरा करते हैं। तो भाई प्रीतम भाई यही मकसद है हमारा, तो जो भी यार मैं तो आपको ही बोलता हूँ, इस मेंबर इसका मेंबर भी हो आप, गरीब संस्था के आप मेंबर भी हो, जो भी इस तरह की कोई आपको दिखाई देगा वो मैं अगर भी इसको एक्चुअल में ही ज़रूरत है और ये वाकई में तंगी में है परिवार, तो भाई आप भी वोट लेना हम, क्योंकि आप मेंबर हो हमें बता देना मैंने वोट लिया है, तो भाई हम मिलजुल कर हम आपके साथ खड़े हैं। इसमें जो भी मेंबर है ना वो हमारा दिल का टुकड़ा है भाई, हमें दिल से जोड़ रखे हैं हम। अरे मैं तो मेरा मेरो ना जोड़ू, मैं तो मैं कहाँ जोड़ू, मैं ना हमने कोई भी वो ट्रस्ट चलाने होते, हमने ट्रस्ट नहीं चलाने भाई, हमने सेवा करनी है ज़िंदगी ना, मेरा 10 साल के 20 साल के हमने कुछ नहीं लेकर जाना। ठीक है, तो भाई हमारा एक ही मकसद है भाई गरीब आदमी है सेवा करना है, लाचार हो भाई वो को मतलब सर्दी में को ठिठुर था को उषा नू भाई किसी को भाई बच्चा है खिलाड़ी ट्रैक सूट की जरूरत हो जूते है जरूरत हो, भाई मैंने कई बार खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया पहले भी, तो 3 साल पहले भी एक दो बच्चा मेडल लेकर आया था अपने शक्या में भी था, मैंने मेरे ख्याल 3-4 साल पहले ये बात थी, मैं उनका भी मैंने वहाँ से वेलकम करके लेकर आया था क्योंकि वो गरीब थे उनके साथ कोई नहीं खड़ा था, हमें पता गरीब देखा, ये उदाहरण आपको राजस्थान का दिखाई दे रहा होगा ना, बिल्कुल गरीब आदमी के साथ ना तो समझता हो वही मिलेगा वही मिलेगा, और अमीर के साथ तो भाई दुनिया है, तो ये टीम तो भाई गरीब भाई है, गरीब भाई है भाई। हमारे विचार एक हैं, इसने बोल दिया एक, मैंने बोल दिया एक, जिसने जो कर दिया आपने बोल दिया आप हमारे मेंबर फाइनल है भाई, ये परिवार को मदद की ज़रूरत है तो मदद होगी भाई, ज़्यादा नहीं होगी 2 बार कर दें 3 बार कर देंगे, एक बार नहीं पूरी होगी तो
तो प्रीतम भाई मारा उद्देश्य सिर्फ ये की है, गरीब आदमी तो जीप के लिए का है हो भाई इनके लिए भाई जो खाने पीने का है आप कैसे का मदद कैसे करोगे जी अमूल जी? वैसे इस पर सबसे पहले आदमी की होती है भूख, भूख भूख में अगर पेट में कुछ है तो आदमी आगे चलेगा, अगर पेट में कुछ नहीं है तो गोश में कुछ भी रहा रहो। सबसे पहले इन बच्चों के लिए इसकी दादी के लिए 2-3 महीने का हम राशन पानी लेकर आते हैं, जो एक अमीर घर के लखपति आदमी घर की रसोई में होता है ना, वो 2-3 महीने का काम चल जाएगा। जब तक इन बच्चों का हम इनको ऐसा लगेगा कि फिर से हमें हमारे को हेल्प की ज़रूरत है, ये हमारे पास फ़ोन कर देंगे, तुम्हारे को बता देंगे, गाँव में किसी को बता देंगे, फिर राशन पहुँचा देगा। इस राशन के साथ साथ में दोनों आज हम दो परिवारों की हेल्प करेंगे, दोनों का सेम राशन है और 71-71 है ना भाई, 71 7100 रुपये नगद दिए जाए। बच्चों के जूते हैं, चप्पल है, ड्रेस है, वो अपने ले आएंगे। बड़ा भाई 7100 रुपये की भाई मदद करी है, और जो घर में भाई नुकाकरण लखपति करोड़पति आदमी हो, जो उसके घर में खाने पीने की सामान होती है भाई टोटली सामान है वो भाई अड़खाट पर रखा है, वो भी दिखा देंगे यार। ये 7100 रुपये भाई हमारी जो गरीब कल्याण संस्था है उसने भाई मदद करने का काम किया है, बहुत ही बढ़िया लगा है भाई। जब गाँव तय से दानी आदमी निकल काम है और गरीब आदमी की सुने हैं भाई, भाई इनकी आत्माएं जो मतलब दवा देगी ना उनके लिए मतलब ये इंसान वो कर रहे हैं कहाँ भाई। जैसे सर्दी आ रही है अभी, बच्चों के पास मान ले कपड़े जूते इस चीज की कमी, इनका माँ बाप तो है नहीं, कौन ले आके देगा? तो ये इस प्रकार के ये नहीं है हमारे गांव में, अगर इस प्रकार का कोई भी परिवार होगा हमारे को पता लगेगा, हमारे को लगेगा कि हाँ ये वाक्य में हेल्प करने के लायक है, दारू पी का गरीब नहीं होया, दारू पी का एक्सीडेंट नहीं होया अपनी गलती से किसी और, उस परिवार के साथ गरीब कल्याण संस्था 24 घंटे खड़ी मिलेगी। कई हमारे गाँव के ये हैं, सब 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 जानते हैं कौन किसके साथ किससे, हमारे को बताएंगे उसकी हेल्प करी जाएगी। बहुत बढ़िया। प्रीतम भाई दोनों भाइयों ने बहुत विस्तार से बता दिया आपको, और इस माँ को मैं एक विश्वास दिलाता हूँ गरीब कल्याण संस्था की ओर से, देखो प्रकृति ने मार दी, भगवान ने मार दिया आपको, आपका बेटा चला गया, आपकी बेटी चली बहू चली गई, इन ये बच्चे अनाथ हो गए, लेकिन गरीब कल्याण संस्था आज आपके दोनों पोतों को परमानेंट जिंदगी भर के लिए गोद ले रही है। और आपका एक विश्वास दिलाते हैं हम गरीब कल्याण संस्था के जितने भी साथी हैं, देवेंद्र भाई है, दम्बल फौजी है, फल्लर भाई है, ओकी भाई है, जितने भी साथी हैं आप भी हो प्रीतम भाई, हम आपके आज से बेटे हैं, अपना बेटा हमने मान लिए, अगर तू कहेगी रात न तो रात ना आओगे, दिन में कहोगी दिन में आओगे, तेरे बेटे बनकर तेरी सेवा करेंगे, इन बड़का की लालन पालन करेंगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। तो भाई जो सामान है वो और दिखाओगे, आ जाओ भाई एक बार जो दिखा दे भाई, जो हमारे दम्बल फौजी अंकल जी उनने एक बात बोली थी, अगर भाई जो करोड़पति और पति आदमी की रसोई में जो खाना पीना होता है ना वो सभी सामान भाई हम गरीब आदमी को उपलब्ध करवाते हैं, जो भी है दिखा दो भाई, 1 महीने का 2 महीने का राशन है ये, 3 महीने का लगा लो भाई, 3 महीने का कम से कम, सारा का सारा राशन हर्बल है, इसमें मैक्सिमम जो वो है ये हर्बल है, और जो राइस ब्रेन ये ऑयल है जो हम रिफाइंड तेल यूज करते हैं, ये राइस ब्रेन ऑयल है, ये हार्ट अटैक के लिए, हार्ट अटैक के मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही फायदेमंद है, इसका आप पढ़ के भी देख लेना, राइस ब्रेन ऑयल के नाम से है, जो लोग रिफाइंड यूज करते हैं सफोला ऐसे से, उनसे 1,00,000 गुना बढ़िया ये रिफाइंड है। और ये सारा का सारा सामान हम इस परिवार को इनके जीवन यापन के लिए दे रहे हैं, ये जैसे ही ख़त्म होगा हमने 5 दिन पहले 10 दिन पहले आपको सूचना देनी पड़ेगी, ये आपका कर्तव्य है माता जी, आपका कर्तव्य है, आपने फ़ोन या किसी बालक के हाथ मैसेज भेज दियो, मैसेज करा देना, ये हम होने से पहले ये ख़त्म होने के 5 दिन पहले दोबारा इतना ही राशन आपको दे देंगे, आपकी ज़िंदगी भर इन बच्चों जब तक ये कामयाब नहीं हो जाते तब तक गरीब कल्याण संस्था आपका सहयोग करने के लिए तैयार है, और आप अपना बेटा मान के हमने ये वो करो, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं, धन्यवाद। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया कर दिया भाई, इन भाइयों का प्यार देख के बहुत अच्छा लगा। ठीक है जी, चलो भाई अगले चलो भाई, ये जो आगे हैं भाई पढ़िए।
एक भाई और है जिसकी भाई एक्सीडेंट में मतलब थोड़ी दिक्कत हो गई थी, भाई चला नहीं जाता, उस भाई दौरे भी जाएंगे और भाई दिखाओगे भाई गरीबी की मार जिस पर पड़ा है ना, बहुत दुख हुआ है, तो भाई वहाँ भी चलेंगे। यहाँ भी बहुत बढ़िया मदद कर दी भाई, 2-3 महीने का राशन है भाई अंकल जी ने उपलब्ध करवा दिया है, और जो भाई है राजू उसके पास भी चलेंगे। तो भाई जुड़े रहो, तो हरियाणा के शेयर मीडिया चैनल दिखाना भाई प्रीतम नागर की, राम राम।